बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। आवर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 1 यूनिट 2 का नए कुछ एस्पेक्ट्स। यहाँ हम देखेंगे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास क्या होती है, और हम देखेंगे लैक्सिकल एंड फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज, और साथ में हम देखेंगे अपनी राइटिंग। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 13 पे जो कि हमारे पास है, मेक वर्ड्स प्लूरल बाय एडिंग एस, मेक सिंगुलर बाय रिमूविंग एस। पॉट, पॉट्स, कार्स, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये आपका प्लूरल है, यहाँ से हम एस काट देंगे और ये बन जाएगा कार। ब्लॉक, एस ऐड कर देंगे, ब्लॉक्स। पैन, यहाँ एस ऐड होगा आपका पैंस। बुक्स, यहाँ पर आपका एस रिमूव हो जाएगा और ये बनेगा बुक। पेंसिल, एस ऐड होगा, जैसे कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है पेंसिल। कैट्स, यहाँ पर हम एस को रिमूव करेंगे और कैट बनाएंगे। फोक, यहाँ पर हम एस ऐड करेंगे। बैग, यहाँ पर हम एस ऐड करेंगे। अब आते हैं राइटिंग स्किल्स की तरफ। राइटिंग स्किल में जो हमारा क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन ए है ट्रेस एंड राइट द गिवन सेंटेंसेस। आई लव माई स्कूल, आपको स्क्रीन पे दो सेंटेंसेस नज़र आ रहे होंगे और उसके नीचे दो ब्लैंक लाइंस होंगी। पहला सेंटेंस आपका बिल्कुल आपने रीड आउट करना है। अगले सेंटेंस में आपने जिस तरीके से आपकी पेंसिल मूव कर रही है, उसी तरीके से आपने अपनी पेंसिल को इन वर्ड्स के ऊपर चलाना है ट्रेस करते हो। और नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे आई लव माई स्कूल। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। जी, लाइक, आई लाइक मैंगो। लिव, आई लिव इन लाहौर। बैग, आई हैव अ ब्यूटिफुल बैग। बुक, आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स। आइए अब चलते हैं अपने पेज नंबर 13 पे और देखते हैं सी पार्ट। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं। अगर आप पिक्चर्स को ध्यान से देखें तो आपके पास हर पिक्चर के साथ दो स्पीच बबल्स दे दिए गए हैं। एक स्पीच बबल हमारा जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में है, और जो उसके नीचे वाला स्पीच बबल है उसमें आंसर है, बट ये आंसर इनकम्प्लीट है। इसी तरीके से अगर आप ऊपर देखें तो आपको वर्ड बैंक दे दिया गया है। आपने क्या करना है, इस वर्ड बैंक की मदद से ये जो आपके स्पीच बबल्स हैं जो कि आपके इनकम्प्लीट हैं उनको फिल आउट करना है। जी, सी, आइडेंटिफाई एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन स्पीच बबल्स विद द गिवन वर्ड्स। डू यू लाइक द वाटरमेलन? यस, आई लाइक वाटरमेलन। डू यू हेल्प द ओल्ड पीपल? यस, I help the old people. Do you respect your teacher? Yes, I respect my teacher. Do you stand in a queue to board a bus? Yes, I stand in a queue. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।